हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी। आनी के निरमंड में दो जगह, कुल्लू के मलाड़ा, मंडी जिले के थल्टू खोड़ और चंबा जिले में बादल फटाए। बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल टूट गए हैं। बादल फटने से 50 से अधिक लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से 2 थल्टू खोड़ और 2 बागीपुल क्षेत्र से बरामद हुए हैं। बादल फटने से करीब 4 पुल और 15 घर बर्बाद हुए हैं। मंडी जिले में 35 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। बादल फटने की घटना के बाद मंडी के पदर के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। डीसी ने आदेश जारी किए हैं कि कुल्लू में भी सभी शिक्षा संस्थान 2 अगस्त के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंडी के थल्टू खोड़ में आधी रात बादल फटने से तबाही मच गई। यहां मकान ढहने की सूचना है। सड़क संपर्क भी ठप हो गया। पंचायत प्रधान कली राम ने बताया कि तेरंग और राजवन गांव में बादल फटने की घटना हुई। घटना में कई लोग लापता हैं। 3 घर बहने की सूचना फिलहाल बताई जा रही है। थल्टू खोड़ा में बादल फटने की घटना में 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। 1 घायल है। मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया है। डीसी अपूर्व देवगन और रेस्क्यू टीमें पैदल ही प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो गई हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। सड़कों और रास्ते टूटने के कारण घटना स्थल तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। समेज खड्ड में बादल फटने की घटना से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजस्व मंत्री के साथ शिमला में हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना हुए हैं। मौके पर पहुंचकर प्रभावितों से मिलेंगे और बचाव कार्यों की निगरानी करेंगे। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना पर बताया कि एनडीआरएफ की करीब 14 टीमें हिमाचल में तैनात हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। आज सुबह ही हमारी 2 टीमें मंडी के लिए तैनात हो गईं। कुल्लू में भी बचाव कार्य जारी है। रामपुर में भी बादल फटा है। वहाँ 6 लोग को बचाया जा चुका है। 3 लोगों की जान जाने के बाद और 50 लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश और बादल फटने के बाद स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। जानकारी के अनुसार निरमंड ब्लॉक के झाकली में समेज खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक गुरुवार सुबह तड़के बादल फटा। इससे भारी नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि यहां 36 लोग फिलहाल लापता हैं। अभी तक 2 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, वहीं 1 शव बरामद हुआ है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि राहत कार्य तुरंत आरम्भ कर दिया गया है। लापता में शिमला जिले के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है। कुल्लू जिले के माड़ा नाला में भारी बारिश के दौरान बादल फटने से मलाड़ा वन में और मलाड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट को भारी हानि पहुंची है। निरमंड इलाके के बागीपुल में 8 से 10 मकान बह गए हैं। इसमें पटवार खाना, होटल, दुकानें भी शामिल हैं। बागीपुल में 7 से 10 लोगों को लापता होने की सूचना बताई जा रही है। इसमें एक ही परिवार के 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तहसीलदार मौके पर हैं। कोयला खड्ड तक सर्च अभियान शुरू है, जबकि निरमंड में कई पुल बह गए। अधिकतर सड़कें बंद हैं। बागीपुल में बस स्टैंड को नो मोशन मिट कर दिया है। 15 गाड़ियां पानी में बह चुकी हैं। तहसीलदार जय गोपाल शर्मा ने बताया कि अब तक 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि कोयल खड्ड में महिला को शत विशत शव मिला है। कुरपुड़ के 7 लड़के शव मिला है। पंडोर डैम से पानी छोड़ने के बाद व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंडोर डैम से 82,000 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया। पहले डैम से 1,00,000 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा था। इससे नदी का पानी पंचकत्र महादेव तक पहुंचता है। ब्यास नदी ने रौद्र रूप रख लिया है, जबकि नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट रहने को कह दिया गया है। हालांकि कुछ समय पर बाद नदी का जल स्तर घट गया, इससे लोगों ने राहत की सांस ली। इसी बीच जयपुर से भी जल भराव की खबर आ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में देर बीती रात तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। जयपुर में जगह जगह पानी भर गया। त्रिवेणी नगर, जयसिंहपुर खेर सहित कई इलाकों में मकान गिरने की सूचना सामने आई, जबकि विश्वकर्मा में 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़वेल इंडिया।